आपका? मेरा नाम अंशु माला हुआ। कहाँ से हैं? हम मालदा पंचायत से हैं, वार्ड नंबर 2 से आंगनबाड़ी सेविका पद पर कार्यरत हैं। सर मेरा मांग है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, 25,000 किया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा किया जाए। अभी आप लोग को कितना मिलता है? 5,950 रुपया। कितना घंटा ड्यूटी करते हैं? 4 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद 24 मान के चलिए कि 2400 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन सारा काम करते हैं और सरकार कहती है कि 4 घंटा काम करते हैं। जिस आधार पर काम करते हैं उस आधार पर मानदेय नहीं मिलता है। मैं कुमारी पिंकी बरबीघा पुरानी शहर की सेविका हूँ। मेरा भी वही है कि हम लोग को आंगनबाड़ी के अलावे भी BLO वगैरह भी काम देता है, पैसा नहीं देता है। आप लोग का कहना कि एक तरह से हम लोग को अस्थाई भी किया जाए। अस्थाई है अभी आप लोग? अस्थाई नहीं है हम लोग, अस्थाई नहीं है। वेतन भी बढ़ाया जाए और अस्थाई भी किया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और जिस तरह से इन लोगों के से काम लिया जाता है उनका वेतन उतना नहीं मिलता है, क्या सही बात है? सर हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, हम लोग 2 ज्ञापन लेकर के आए हैं विधायक संसद साहब के यहाँ। हम लोग के सरकारी अथी किया जाए और जो हम लोग को 24 घंटा को मजदूरी होता है वो हम लोग को दिया जाए। बिल्कुल, जो जैसा मेहनत करता है उनका मेहनताना उसी रूप में मिलना चाहिए। और इन सेविकाओं का कहना है कि हमारे जो घर के लोग रहते हैं उनको भी हम अपने कार्य में लगा देते हैं और पैसा मात्र मिलता है लगभग 6,000 रुपया, है ना? 50 रुपया कम मिलता है सर, 6,000 नहीं पूरा होता है, 5950 मिलता है। हाँ 5950, आज के महंगाई के दौर में 5950 नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है उससे। और आज जो है मालदा गाँव में जो है माननीय सांसद श्री चंदन सिंह जी आए हैं और ये जितने भी सेविकाएँ हैं उनके सामने जो अपनी बातों को रखेंगे और इनके बाद जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि लगभग जो जिस तरह से इन लोगों से काम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उस रूप में वेतन भी मिलना चाहिए। हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ के कुछ लोग भी हैं। 6 महीना से रुका हुआ था वेतन, इस बार मिला है दुर्गा पूजा में मिला। ये 6,000 मिलता उसमें भी समय पर नहीं मिलता? हाँ उसमें भी समय पर नहीं मिलता है सर। क्या कहेंगे सर, आप इस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं और देख सकते हैं आपके गांव की सारी सेविकाएं हैं, पंचायत ध्यान देना चाहिए, सांसद महोदय को। आज के महंगाई के दौर में 6,000 रुपये कुछ है? जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कहते हैं कि अपना जो है घर परिवार को भी लगा देते हैं कार्य के लिए। सही बात है, वेतन बढ़ना चाहिए और स्थायी जो है होना चाहिए। देखिए हकीकत ये है कि माननीय सांसद महोदय इस पर अपनी बात को रखेंगे जी, लेकिन ये बिहार सरकार का मामला है जी, जी। माननीय सांसद महोदय NDA के उम्मीदवार हैं, NDA से चुनाव लड़ते हैं, वो जैसे ये अपनी बात उनको रखेंगे तो वो भी सरकार को अपनी बात रख सकते हैं जी। करना तो बिहार सरकार को है, तो इनकी जो समस्या है उसका मूल जड़ जो है वो है इंडिया गठबंधन जी। तो इंडिया गठबंधन के लोग इसका अच्छा निदान निकालेंगे जी। अब कोई इंजीनियर को आप पेट का ऑपरेशन करने दीजिएगा होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेविका है बिहार सरकार में, अगर रेल विभाग से कोई जुड़ा मामला हो NHI उसको माननीय सांसद डील करेंगे चूंकि उनके क्षेत्र में आता है जी। आप सर एक प्रतिनिधि हैं और इनका जो कह सकते हैं संकट है, समस्या है, उसका निवारण करना भी एक आपका एक दायित्व होता है। और आज के महंगाई के दौर में मात्र 6,000 रुपया में ये लोग जो है काज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कैसे खर्च? हाँ बहुत नहीं चल सकता है, 6,000 रुपया का महत्व क्या है जी। आज का न्यूनतम मजदूरी पढ़े होंगे, 4 दिन पहले बिहार सरकार ने अपने रोड बनाने वाले जो संगठन है उसका छोटा छोटा कर्मचारी लेबर उसका मानदेय प्रतिदिन 592 562 546 प्रतिदिन का किया है जी, जी। उस हिसाब से देखा जाए तो 18,000 में तो सरकार भी स्वीकार कर रही है जीवन यापन नहीं होगा जी। तो जब उसको 18,000 लेबर क्लास को, तो ये लोग तो सेविका हैं, महिला हैं, समाज के प्रथम नागरिक में गिना जाता है कि भाई राष्ट्रपति अभी हमारे हैं उन्हीं के मान लीजिए ओर से देखा, इसलिए इनका मानदेय 18 से 20,000 न्यूनतम होना ही चाहिए।